आप देख रहे हैं देवास का अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। पर कल पथराव की घटना हुई थी, जैसा आप लोगों को पता है, उसके पश्चात से ही पुलिस और प्रशासन ने पूरे एरिया में अपना कंट्रोल में ले लिया है। कर्फ्यू की घोषणा हो चुकी है और उसके साथ हम लोगों ने जो आइडेंटिफाई किया, लगभग 84 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। इन 84 लोगों पे जेल में रख डालना एक विषय है, साथ ही में इनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, एनक्रोचमेंट है, क्योंकि आर्थिक प्रहार बहुत बड़ा प्रहार होता है, उन पर तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा बताया है कि इन लोगों से जो नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई कराने की कार्रवाई की जाएगी। दंगे और उपद्रव के मारे में गवर्नमेंट की पॉलिसी जीरो टॉलरेंस की है और हम उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कटिबद्ध हैं। सर, कितने जगह कार्रवाई अभी चिन्हित की गई है? अभी लगभग 50 के करीब कार्रवाई की जगह चिन्हित हुई है, कार्रवाई चल रही है और ये अब निरंतर चलेगी। कौन कौन से स्थान पर कार्रवाई हुई सर? कौन कौन से स्थान में चिन्हित की है? इसमें खसखस बाड़ी है, मोहन टाकीज वाला है, ऐसे बहुत सारे जितने भी स्थान है, वो आनंद नगर के पीछे वाला है, वो सब आइडेंटिफाई किया और सब पे कार्रवाई होगी। शासकीय कर्मचारियों पे भी कोई कार्रवाई? हाँ, कुछ अफवाह फैलाने का 4 का पता चला था, 3 कर्मचारियों को उन सेवा से निकाल दिया गया है और 1 कर्मचारी को सस्पेंड किया गया है। 3 जो थे डेली वेजिंग वाले थे उनको निकाल दिया और 1 नियमित ही से सस्पेंड किया गया है। हाँ, सारों का हमने कल रात को ही 10 बजे के करीब से ही दौरे आरंभ कर दिए थे और जितने भी इलाके हैं, चाहे खसखस गाड़ी का इलाका है, आनंद नगर का इलाका है, शीतला माता मंदिर वाला इलाका है, सबके दौरे मैंने और आईजी साहब ने, पूरी टीम ने कल ही कर लिए हैं और निरंतर अभी पुलिस लगी हुई है, कर्फ्यू है। कार्रवाई तो जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक चलेगी। थैंक यू।